सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता एवं नवाही वार्ड से जीते जिला परिषद सदस्य मुनीश शर्मा ने सरकाघाट शिव मंदिर से जन चेतना पदयात्रा का शुभारंभ किया। मुनीश शर्मा ने बताया कि यह पदयात्रा सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के अहम मुद्दों को लेकर और वर्तमान समय में सरकाघाट के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर हर घर में दस्तक देगी और लोगों की समस्याओं और दुख तकलीफों को सुनेगी। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सरकाघाट महाविद्यालय में MSc, MCom, BEd कक्षाएं शुरू करना, बलद्वाड़ा कॉलेज में साइंस कक्षाएं शुरू करना, भद्रौता क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलना, भद्रौता को तहसील का दर्जा डलवाना, पोंटा को तहसील का दर्जा भद्रौता क्षेत्र डलवान में पुलिस चौकी स्थापित करना, बलद्वाड़ा में SDM दफ्तर खोलना, सरकाघाट में प्रस्तावित अटल आदर्श विद्यालय को शीघ्र खोलना, बलद्वाड़ा में मिनी सचिवालय व भद्रौता उप तहसील भवनों का शीघ्र निर्माण करना, जाहू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करना, सरकाघाट बस डिपो से रूट व स्टाफ स्थानांतरित होने से रोकना, बंद पड़े बस रूटों को चलाना और हर इलाके के लिए बस सुविधा देना, सरकाघाट अस्पताल व बलद्वाड़ा CHC में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करना व डॉक्टरों के खाली पद भरना, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट दूर करना, बेसहारा पशुओं की समस्याओं का समाधान करना, बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार के लिए लघु उद्योगों व स्कीमों का लाभ पहुंचाना, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करवाना, जल रक्षकों के लिए नीति निर्धारित करना, मनरेगा में 120 दिनों का काम सुनिश्चित करवाना व 200 दिनों के कार्य और 300 रुपए दिहाड़ी की मांग करना, सभी मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सुविधाएं पहुंचाना, सभी गांवों को पक्की सड़क की सुविधा देना, बढ़ते केमिकल नशों की रोकथाम करना, खेलकूद गतिविधियों के लिए खेल परिसरों का निर्माण करना, भामला को औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करना, किसानों को खाद, खरपतवार व बीज डिपुओं के माध्यम से पंचायत स्तर पर उचित दामों में समय पर उपलब्ध करवाना, ATM की सुविधा देना आदि मुद्दों को पदयात्रा के मांग पत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा हर पंचायत की मांगों को इस पदयात्रा के दौरान मांग पत्र में जोड़ा जाएगा और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के विकास का व्यापक मॉडल तैयार किया जाएगा। आज हमने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के हकों के लिए जन चेतना पदयात्रा का शुभारंभ सरकाघाट शिव मंदिर से आशीर्वाद लेकर जो है शुरू की है। यह जन चेतना पदयात्रा इस मकसद के साथ सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के हर घर में जाएगी कि जन जन को जगाएंगे, विकास का नया दौर हम लाएंगे। जो नई पीढ़ी के सवाल हैं और आज के समय में जो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हुई है, मैं ये समझता हूँ कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र एक अग्रणी विधानसभा क्षेत्र था। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के लोगों की सेना में जो भूमिका रही है, कर्मचारियों के तौर पर खेलकूद की गतिविधियों में, और आज जिस तरीके से सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र पिछड़ रहा है पिछले कुछ वर्षों से, और जिस तरीके से भेदभाव यहाँ की जनता के साथ हो रहा है, उससे उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है। सरकाघाट के अलग अलग मुद्दे हैं, एक इसका एक हमने मांग पत्र तैयार किया हुआ है। सरकाघाट के अलग मुद्दे हैं, हटड़ी क्षेत्र के अलग मुद्दे हैं, भद्रौता क्षेत्र के अलग मुद्दे हैं, किसानों की समस्या है, सरकाघाट का जो बस डिपो है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, यहाँ से ट्रांसफ़र हुई है, एक साथ 121 स्टाफ का तबादला धर्मपुर किया गया, जल शक्ति विभाग की नियुक्तियों में जिस तरीके से अनियमितताएं हुई हैं और जिस तरीके से भेदभाव हुआ है सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के साथ, उनको छला गया है, इसके खिलाफ युवाओं में भारी रोष है। हटली क्षेत्र में SDM दफ्तर की जरूरत है, मिनी सचिवालय की जरूरत है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की जरूरत है, सरकाघाट के पूरे इलाके को मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, भद्रौता क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की जरूरत है, आज वहाँ को तहसील की जरूरत है, अभी उप तहसील का दर्जा मिला है लेकिन भवन आज तक नहीं बन पाया, सड़कों की स्थिति जर्जर है, बस सुविधा बहुत सारे गांव अभी भी बिना बस सुविधा के हैं, और पानी के हालात अगर हम देखें तो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की आधी से ज़्यादा पंचायतें आज भी पानी के संकट से जूझ रही हैं। जहू में हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग करते हैं, बल में हवाई अड्डा अगर नहीं बनता है तो इसको जहू क्षेत्र में बनाना चाहिए, किसानों की उपजाऊ भूमि को वहाँ पर खराब नहीं करना चाहिए सरकार को, यहाँ पर लोग जमीन देने को तैयार हैं और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन सकता है। एक स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को यहाँ का नुमाइंदे जो है वो उसको यहाँ पर नहीं खोल पाए, भामड़ा औद्योगिक क्षेत्र आज धूल फांक रहा है, और ये अलग अलग मसले जो सरकाघाट क्षेत्र के हैं, आज पोंटा या ढलवान में उप तहसील की जरूरत है,
इलाका भद्रोता की 16 पंचायतों में एक एटीएम नहीं है, पुलिस चौकी नहीं है भद्रोता क्षेत्र में, धरवाण क्षेत्र में एक पुलिस चौकी नहीं है। तो ये जो सारी परिस्थिति है, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों में निराशा है, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के लोग मायूस हैं, और इस पूरे माहौल को बदलने के लिए और खासकर जो युवाओं में जो एक भावना पैदा हुई है कि आज जिस तरीके से हम ठगे जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ जो है एकजुट होंगे और इस पदयात्रा को हम हर घर में ले जाएंगे, और ये पदयात्रा जो है उस दौरान रात को गाँव में भी वहीं रुकेगी। तो इन लोगों को जगाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के हकों के लिए मैं राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक नुमाइंदों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो एकजुट हो जाएं, एक हो जाएं, और तभी सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के हक बचेंगे। और माननीय कर्नल साहब, आपको लोगों ने बहुत मौका दिया, आपको 3 बार विधायक बनाया, लेकिन आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, इसलिए आपको जो है अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और कितनी बर्बादी जो है आप सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की कर सकते हैं, और कितना आप मूक दर्शक बनकर जो है विधायक के तौर पर जो है अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे। आपकी कार्यप्रणाली से लोग खुश नहीं है, ये मैं नहीं, ये गांव गांव के अंदर हमारी माताओं ने बोला, हमारे बुजुर्गों ने बोला, हमारे युवाओं ने बोला कि आज जो है हम सेटिस्फाइड नहीं है, आज हम संतुष्ट नहीं है। तो इस बदलाव की भावना को लेकर जो है और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र को विकास की पटरी में लाने के लिए जो है इस पदयात्रा का जो है हम यहाँ से सरकाघाट के बाजार से यहाँ से आज इसका आगाज कर रहे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सरकाघाट से अमित कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।